हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हेल्पिंग ब्रदर की तरफ से आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पे आप सीखने वाले हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप एक्चुअल में काम करना शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन देंगे, मतलब बहाना बनाएंगे कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप दे दो, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये चेन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आएंगे। तो इसका आंसर कैसे देना है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो लीड आपको ऑब्जेक्शन दे रही है, इसका मतलब है कि उसको बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर कोई लीड आपको ऑब्जेक्शन दे रही है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहती है। तो आपका काम है कि उन सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, राइट? तो हम वन बाय वन सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे जो आपको ज्यादातर आते ही है, ओके? जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं वो सिर्फ हम एक फॉर्मूले से हैंडल कर सकते हैं, और उसका नाम है फोर स्टेप फॉर्मूला, मतलब लिसन, रिलेट, पॉइंट एंड डिसीजन। जब भी कोई लीड आपको ऑब्जेक्शन देती है तो सबसे पहले आपका काम होता है सुनना, लिसन करना। लीड हमें क्या ऑब्जेक्शन दे रही है ये सबसे पहले हमें सुनना है, उसको पूरा बोलने देना है, उसकी बात बीच में नहीं काटनी है, ओके? इसके बाद हमें रिलेट करना है, सामने वाले को ये बताना है कि मैं भी इस प्रॉब्लम में था, मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको भी बोलना है, हाँ ब्रदर, जब मैं इस बिजनेस में आने वाला था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ऐसा आपको बोलना है। अगर वो बोले कि मेरे पापा मना कर रहे हैं तो आप भी बोलो कि मेरे पापा भी मना कर रहे थे। अगर वो बोले ये कंपनी फ्रॉड है तो आप बोलो मुझे भी यही लग रहा था कि कंपनी फ्रॉड है। आपको सामने वाले को ऑब्जेक्शन के साथ रिलेट करना है, ओके? इसके बाद हमें पॉइंट पे आना है, वो जो ऑब्जेक्शन दे उसका प्रॉपर आंसर हमें देना है, वो हम आगे सीखेंगे। और लास्ट स्टेप है डिसीजन, हमें सामने वाले को डिसीजन पे लाना है, हम इसको एक तरह से क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, ओके? तो इस फोर स्टेप फॉर्मूले से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करके देखते हैं। कौन सा भी ऑब्जेक्शन हो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और सारे ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल करना है। तो वन बाय वन हम सारे ऑब्जेक्शन को देखते हैं और हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे क्या? तो इसका आंसर आपको फॉर्मूला यूज करके देना है। आपको सबसे पहले उसकी बात सुननी है और रिलेट करना है, मतलब आप बोल सकते हो ब्रदर आप एकदम सही हो, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं भी कह रहा था कि यार यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें पॉइंट पे आना है, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि आपने अभी तक अपने एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए की फी भरी है, लाखों रुपए लगाए हैं, पर क्या उसका अभी तक एक रुपए भी आपको रिटर्न मिला है? बिल्कुल नहीं मिला, राइट? तो क्या गारंटी है कि आपको 100% जॉब लगेगी? नहीं ना। आप छोटे से छोटा कौन सा भी बिजनेस करो, चाहे आप चाय का ठेला लगा लो या फिर एक बड़ी सी कंपनी खोल लो, उसको स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। देखो अभी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, राइट? तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ से सिर्फ आप पैसे ही नहीं कमाओगे बल्कि स्किल भी सीखोगे जो आपको जॉब में काम आने वाली है। और आज के टाइम आपको तो पता ही है सिर्फ डिग्री होने से जॉब नहीं मिलती, आपके पास डिग्री के साथ कुछ स्किल भी होने चाहिए, तो ये सारे स्किल आप यहाँ से सीखोगे, राइट? तो आप समझ सकते हो कि इस डिजिटल कोर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। ये हो गया हमारा पॉइंट, ओके? इसके बाद लास्ट में हमें डिसीजन पे लाना है, और डिसीजन वाला पॉइंट आप लोग थीम यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि देखो ब्रदर, अगर आप गोल्ड या फिर सिल्वर से स्टार्ट करते हो तो मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा जिसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट दिन के 500 से 1000 रुपए कमा रहे हैं। तो यही ट्रेनिंग आपको मिल गई तो आप भी इसे फॉलो करके साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये जो पेड ट्रेनिंग है मैं सिर्फ 5 लोगों को देने वाला हूँ जो कल तक मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ गाइड नहीं कर सकता। तो बताओ कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो? ये डिसीजन स्क्रिप्ट आपको हर एक ऑब्जेक्शन में सेम बोलनी है, इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी और बंदा जल्दी ज्वाइन करेगा। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी ज्वाइन नहीं करते, तो उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, सिंपल उन्हें कुछ नहीं बोलना है, आपका ब्रॉडकास्ट और स्टेटस देख के वो बंदा गारंटेड ज्वाइन करेगा, ओके? और सबसे मेन बात ये है कि हर एक लीड आपके साथ ज्वाइन नहीं होने वाली, हर जगह आपका लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसा कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा कि सभी लोग हमारे बिजनेस में नहीं आते, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ आते हैं, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके? इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्शन है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इसका भी आंसर आपको फोर स्टेप फॉर्मूला यूज करके देना है। आपको बोलना है भाई मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मुझे भी यही लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने ये देखा मैं अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल होता था, ट्यूशन होता था, पढ़ाई करनी थी, तो ये सब कुछ मेरा शाम के 5 बजे तक खत्म होता था। तो जब मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पे दिन भर काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 से 3 घंटे काम कर भी पैसे कमा सकते हो। तो यार मैंने स्टार्ट किया और आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और अपने टाइम को भी मैनेज करता हूँ। तो देखो यार, अगर आप कल तक गोल्ड या फिर सिल्वर से स्टार्ट करते हो तो मैं आपको ऐसी पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा जिसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट दिन के 500 से 1000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको मिल गई तो आप भी इसे फॉलो करके साइड बाय साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। ये पे ट्रेनिंग मैं सिर्फ 5 लोगों को देने वाला हूँ जो कल तक मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ गाइड नहीं कर सकता। तो आप बताओ कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो? बिल्कुल सेम इसी तरह आप
हर एक ऑब्जेक्शन को इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, भाई मैं सोच के बताऊंगा, भाई मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी ऑब्जेक्शन आता है, राइट। तो चलो इसको भी एकदम स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते हैं, ओके। सामने वाला बोलेगा कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, आपको बोलना है भाई मैं आपके बात से सहमत हूँ, जब मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मुझे भी यही लगा था कि सोचना पड़ेगा, पर मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से पूछा कि आपको क्या सोचना है, तो मैंने बोला एक ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर करे कि इस बिजनेस में आपकी तरह ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हज़ार महीना कमा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि आप पढ़ाई के साथ साथ महीने का कितना कमाना चाहते हो, मतलब आपको अच्छा लगे कि पढ़ाई के साथ साथ इतना आना चाहिए। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो सामने वाला बोलेगा कि मैं 10 हज़ार कमाना चाहता हूँ, 20 हज़ार कमाना चाहता हूँ, 30 हज़ार कमाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट आपको पूछना है कि इस 10 हज़ार कमाने के लिए, 20 हज़ार कमाने के लिए आप दिन का कितना समय दे सकते हो। पता है वो क्या बोलेगा, वो अब ये बोलेगा 10 हज़ार कमाने के लिए दिन में कितना टाइम दे सकता है, वो बोलेगा मैं 3 घंटे दे सकता हूँ, 4 घंटे दे सकता हूँ, राइट। इसके बाद आपको बोलना है तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ जिसे फॉलो करके आप दिन में 3 से 4 घंटे काम करके 10 हज़ार रुपए कमा सको, तो क्या आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए। हो गया आपका ऑब्जेक्शन हैंडल, समझ रहे हो गया बंदा क्लोज, आपको बस उसको बातों में पकड़ना है। आप ऐसा भी बोल सकते हो तो अभी आप क्या कर रहे हो, लीड बोलेगी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप अपना खर्चे उठाने के लिए महीने का कितना कमाना चाहते हो, वो बोलेगा 5 से 10 हज़ार कमाना चाहता हूँ, तो आप बोलो कि 10 हज़ार कमाने के लिए आप दिन का कितना टाइम दे सकते हो, वो बोलेगा 4 घंटा 5 घंटा। उसके बाद पिच करना है, आप बोलो कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ जिसे फॉलो करके आप दिन में 4 घंटे काम करके महीने का 10 हज़ार कमा सकते हो, तो क्या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। अगर वो हाँ बोलता है तो आपको बोलना है मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, तो आप कितने बजे पेमेंट करोगे, तो मैं आपको कॉल पे प्रोसेस समझा सकूं, तो जो टाइम बताएगा उस टाइम पे आपको कॉल करना है और क्लोज करना है। सिंपल, आपका ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो गया और क्लोजिंग भी हो गई, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ भी रीजन देखे वो कॉल कट करते हैं, तो उनको जाने दो, वो बाद में स्टोरी देख के स्टेटस देख के कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर है, बस हमें पहले सुनना है उसके बाद रिलेट करना है कि मेरे भी पापा मना कर रहे थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे भी वैसा लगा था, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्शन का प्रॉपर आंसर रेडी करना है एंड लास्ट में डिसीजन पे लाना है। उसकी भी स्क्रिप्ट आपको दी है कि लास्ट में क्या बोलना है। ये 4-स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप हर एक ऑब्जेक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हो। अब ये समझ लो कि लीड आपको ऑब्जेक्शन क्यों देती है। लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लीड को खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लीड को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लीड को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर ये तीनों चीजें क्लियर है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, अगर क्लियर नहीं है तो लीड आपको ऑब्जेक्शन देगी, ये बात ध्यान में रखना, ओके। ज्यादातर हमें यही तीनों ऑब्जेक्शन रेगुलर आते हैं, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और ऑब्जेक्शन को हैंडल करते जाना है। तो आगे का ऑब्जेक्शन आप सिर्फ देखो और पढ़ो, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन है जो लीड आपको पूछ सकती है, तो उसका प्रॉपर आंसर आपको पता होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि अगर लीड से आपको कॉल पे बात करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे व्हाट्सएप पे आईडी नोट में बात कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पहले से सारे ऑब्जेक्शन की आईडी नोट बना के रखनी है और एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके रखनी है ताकि आप उसे जल्दी से ढूंढ पाओ। अभी से क्या होगा कि जब भी कोई आपको लीड बोलेगी कि मुझे बिजनेस के बारे में फिर से बताओ, तो आप उसे ऑडियो नोट सेंड कर दो। जब लीड बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका रिप्लाई आप ऑडियो नोट में भेज दो। अगर लीड बोले कि मेरे पैसे आप दे दो, तो उसकी भी ऑडियो नोट आप उसे भेज दो। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा, बार बार उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने की दिक्कत नहीं। तो जो ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चन इस वीडियो में दिए हैं उन सभी के आंसर आप रिकॉर्ड करके रखो और हो सके तो उसकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, उससे आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी।
जैसे आपने देखा होगा कि इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्शन की स्क्रिप्ट भी दी है और लीड कुछ ऐसे सवाल पूछती है कि उसके आंसर आपको पता होने चाहिए, उसके भी प्रॉपर जवाब उसमें दिए है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए। तो उम्मीद करते हो आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स लर्न हेल्पिंग ब्रदर्स।